यूपी के गाजीपुर में शुभा सभा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर हुए हमला मामले में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल इस मामले में शुभा सभा प्रमुख ओपी राजभर समेत उनके 15 कार्यकर्ताओं पर भी केस दर्ज हुआ है। गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वहीं इस मामले में करीब 15 से 16 ग्रामीणों पर भी केस दर्ज हुआ है। क्या है, वही बाइट नहीं देगा तो खबर कैसे चलेगी। बता दें कि इस मामले में ओपी राजभर ने आरोप लगाया था कि वे गौसलपुर गांव के ब्रह्मभोज के लिए गए थे। उसी दौरान लौटते समय ग्रामीणों ने उनको लाठी डंडे लेकर घेर लिया। बताया जा रहा है कि सुबह सभा नेता के काफिले के वाहन रास्ते में खड़े थे। रोड जाम होने की वजह से ये विवाद हुआ, जिसको लेकर राजभर ने ग्रामीणों पर हमला करने का आरोप लगाया। आज हम अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर के विभिन्न गांवों में जो दुर्घटनाएं हुई थी उनका दरवाजा करने के लिए, कुछ शादी विवाह के निमंत्रण के उद्देश्य से अपनी विधानसभा में घूमते हुए मैं गांव सभा गौसलपुर पहुंचा और वहां एक पाल जी की पत्नी का देहांत हुआ था, उनके दरवाजे पर गया तो कुछ 12-14 की संख्या में लाठी डंडा असलहा लिए हुए, तमंचा लिए हुए, गाली गुप्ता देते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या वजह है और मारपीट करने पर आमादा हुए। साथ में 20-22 लोग थे, वो लोग और सुरक्षा कर्मी किसी तरह हमको बचा करके कुछ दूर ले आए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति भयावह बनी हुई है और जिस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है, इस नाते उपद्रव हो रहा है कि हम पिछड़े समाज, दलित वंचित समाज की लड़ाई को आवाज़ बन करके उभर रहे हैं। इस नाते इन लोगों को बुरा लग रहा है और जिसको लेकर के ये लोग बिना वजह जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, अभी लोग लाठी डंडा लेकर के जगह जगह खड़े हैं मारपीट करने के लिए। अभी हमारे लोग और पुलिस के लोग अभी SHO करीमुद्दीनपुर आए हैं और हम लोग यहीं खड़े हैं। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के, जो सरकार डिडोरा पीट रही है कि लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा है, जहां विधायक असुरक्षित हो तो उस सरकार में कैसे मान लें कि आम आदमी सुरक्षित है। तो इस घटना की हम तो चाहेंगे कि तत्काल इसकी DG महोदय संज्ञान लें और संज्ञान में लेकर के, और मुख्यमंत्री महोदय इसको संज्ञान में लेकर के ये तत्काल कार्रवाई करें, नहीं तो पूरे प्रदेश में हम आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। जो हमारे करोड़ों लोग जो हमारे पीछे दीवाने हैं, फिर हमको ये मजबूर न होना पड़े कि हम सड़क पर आकर के किसी तरह का उपद्रव करें, इस तरह की हरकत हमको करने के लिए बाध्य न होना पड़े। आज पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा या आक्रोश है इस बात को लेकर के, चारों तरफ से लोग आज गाजीपुर सुन करके लोग आ रहे हैं। मैं मना कर रहा हूं लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। वहीं मामले में सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस को पता चला कि मामले में दोनों पक्षों की गलती थी। हालांकि विवाद शुभा सभा कार्यकर्ताओं ने शुरू किया था, जिसके चलते पुलिस ने ओपी राजभर समेत उनके 5 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, पूरा मामला यह है कि करीमुद्दीनपुर थाना अंतर्गत एक गांव में एक राजभर की मृत्यु हो गई थी, तो उसको ये देखने के लिए आए थे अपने पूरे कारवां सहित। 8-10 गाड़ियां थीं, वो इनकी गाड़ियां वहीं गांव में खड़ी थीं। दो लड़के जो ठाकुर जात के हैं वो आए थे, उनकी गाड़ी उसमें लग गई थी, ना जानबूझ करके उन्होंने की थी। लेकिन जो इनके कार्यकर्ता थे, पहले उन्होंने इनको गाली दी, जो मोटरसाइकिल से दो बच्चे थे, और जो मुझे पता चला शायद एक थप्पड़ मार दिए थे। जब वो अपने घर गए तो वो लोग भी आ गए थे इस आक्रोश में कि कोई जानबूझ के इनकी गलती नहीं थी। और फिर इसी में उन्होंने ये कहा कि हमको गाली दिया गया, हमको घेर लिया गया। हमने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप मुकदमा लिखा दीजिए। तो
तो दूसरे पक्ष ने भी अपनी तहरीर दी है, दोनों का मुकदमा लिख गया है और इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था, इसमें कोई भी पक्ष अगर समझदारी दिखा देता तो ये हल हो जाता और मैं समझता हूँ ये मैटर हल भी हो जाएगा। अच्छा सर, अपराध राजभर पर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? देखिए, धाराओं में तो उन्होंने भी लिखाया है, जो भी एप्लीकेशन दी हमने वो रजिस्टर कर दी, विरोधी पक्ष ने भी जो दिया वो रजिस्टर कर दिया। अब दोनों का जो सही धाराओं में मुकदमा होगा, मुकदमा आप जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल गाली गलौज तक था, हार्ट टाक तक था, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था वहाँ पर। पुलिस का कहना है कि मामूली सा विवाद अगर एक पक्ष ने भी संभालने की कोशिश की होती तो विवाद नहीं बढ़ता। बहरहाल पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।